खरगोन में भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। खरगोन नगर पालिका चौराहे पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मोमबत्ती व फूल माला अर्पित करते हुए सनातन हितकारिणी न्यास द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यास के सचिव विक्रम प्रकाश सिंह ने बताया कि देश के लोह पुरुष सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को एक किया था। उन्होंने कहा कि हमें देश की एकता व अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि देश में एकता रहेगी तो कोई भी दुश्मन हमारे देश की ओर बुरे इरादों से देख नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता से ही देश में एकता का माहौल बना था। क्या उद्देश्य और कौन सी संस्था से आप? हमारा आज हमारे देश के लौह पुरुष भारत रत्न एकता के प्रतीक अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। हम उनके प्रयासों के ऋणी रहेंगे और उन्होंने जो 550 से ज़्यादा रियासतों को एक करके भारत की अखंडता संप्रभुता को एक नया आयाम दिया, उसके हम रेडी रहेंगे। और हमारी संस्था सनातन हितकारी न्यास है जो इस उनके प्रयासों उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत की अखंडता संप्रभुता एकता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत है। क्या नाम है? विक्रम प्रकाश सिंह नाम है, सनातन हितकारी न्यास का सचिव। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।